कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ क्योंकि मैं निकल पड़ी हूँ एक रोड ट्रिप पे। हेलो एवरीवन, आई एम विदिशा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टाइटल से तो आप सभी को पता चल ही गया है कि मेरी इस बार की डेस्टिनेशन है दीघा। दीघा एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी बंगाली नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दीघा। एक्चुअली इट इज़ द मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। बंगाली लोग अपने लाइफ में एक बार तो दीघा जरूर जाएंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और वेदर कंडीशन इज़ वेरी गुड। और आई थिंक आपको देख के समझ में आ रहा है कि इस वीडियो की पिक्चर क्वालिटी मेरे पहले वीडियोस की पिक्चर क्वालिटी से बेटर है। इससे पहले मैंने जितने भी व्लॉग्स बनाए वो सब रेडमी नोट 4 से बनाए और इस वीडियो को मैं शूट कर रही हूँ रेडमी नोट 7 प्रो से, जो कि मेरी लाइफ की पहली स्मार्टफोन है। ये जो राइट साइड में रोड है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। दक्षिणेश्वर होके ये रोड निकलती है। उस रोड में टोल नहीं है, लेकिन उसके बदले बहुत बड़े बड़े बम्पर सबकी स्वागत करेगा और थोड़ा सा लॉन्ग रूट है, तो इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम ले रहे हैं ये टोल रोड। ये है सेकेंड विवेकानंद ब्रिज टोलवे, इसे निवेदिता सेतु भी कहते हैं। गंगा नदी के ऊपर में ये ब्रिज कोलकाता और हुगली को कनेक्ट करता है। गंगा नदी यहाँ पे हुगली रिवर के नाम से जाना जाता है। मेरी राइट साइड में है विवेकानंद सेतु, इसकी नाम है विलिंगडन ब्रिज, लेकिन ये पॉपुलर है बाली ब्रिज के नाम से। ये ब्रिज रेल एंड रोड कनेक्टिविटी दोनों को ही प्रोवाइड करता है। अभी तो मैं देख सकती हूँ कि दोनों ब्रिज पे पेंटिंग का काम चल रहा है। ब्रिज से उतरते ही हम टोल में पहुँच गए हैं। फोर व्हीलर के लिए फेयर है 45 रुपीज़ इन सिंगल जर्नी, और टू व्हीलर तो फ्री है। इस रूट से दीघा जाने के लिए 3 टोल मिलेगा, उनमें से पहला टोल है ये। ये जो राइट साइड में रोड निकल गया ये है दिल्ली रोड। दीघा जाने के लिए हमको लेफ्ट से ये मुंबई रोड से जाना पड़ेगा। दिल्ली रोड से जाएंगे तो सीधा दिल्ली पहुंच जाएंगे। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मैं उस रोड से भी जाऊंगी और व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि उस तरफ जाने की प्लानिंग तो चल रही है। शायद बनारस जाएंगे हम, बनारस ऑन बाइक मे बी, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा मैं तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मेरी व्लॉग के माध्यम से, और ऐसे छोटे मोटे प्लानिंग तो हर टाइम चलता ही रहता है ना। बातें करते करते हम दूसरा टोल में पहुँच गए हैं। ये है धूलागढ़ टोल प्लाज़ा। इस टोल प्लाज़ा की एक नाम है, जो ओरिजिनल नाम है वो है जाला धूलागुड़ी प्लाज़ा, ऐसा कुछ मुझे ठीक से याद नहीं है। फोर व्हीलर के लिए चार्जेस है 105 रुपीज़ फॉर सिंगल साइड जर्नी। मेरे पीछे ये जो कार आप देख रहे हैं ये हमारे मॉडल का ही है, और कलर भी एक है, कंपनी भी एक है। अच्छा लगता है जब एक ही टाइप की कार साथ में चलता है।
हमारी जर्नी की आखिरी टोल सोनापेटा टोल 75 रुपीस, कार के लिए सिंगल साइडेड जर्नी। ये है दीघा जाने वाली गवर्नमेंट बस। ऐसे ना जाने कितने बस आपको रोड में दिखने को मिलेगा जो दीघा जा रहे हैं। ये आइलैंड है नंद कुमार, यहाँ से आपको राइट की ओर जाना है। यहाँ तक तो आप ठीक ठाक आ जाएंगे, लेकिन नंद कुमार के बाद से आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोड पे कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, रोड एक्सटेंशन की काम चल रहा है। एक्चुअली शायद 2 लेन से 4 लेन या 6 लेन, मे बी नहीं 4 लेन का ही काम चल रहा है। कोलकाता से दीघा आने में 4 से 5 घंटा लगता है, डिपेंड करता है आप कहाँ से आते हैं। और ये कंस्ट्रक्शन का काम अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि आप 3 घंटे में दीघा पहुँच जाएंगे, लेकिन तब तक आपको ये सब मुश्किल थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और मुश्किलें भी हैं। ये देखिए, अरे कोई ड्राइवर साहब को बताओ कि गुस्सा थूक दे, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता है। ये लेफ्ट साइड में है कॉन्टाई टाउन, इस टाउन के अंदर से भी आप आ सकते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं काथी दीघा बाईपास से।
दीघा गेट क्रॉस करने के बाद मैं जा रही हूँ बाईपास रोड से अपनी होटल में। मिलते हैं आपके साथ दीघा की एक नए व्लॉग लेके, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।